नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ वर्ष कुमारी। दंतेवाड़ा विधानसभा सीट पर 23 सितंबर को होने जा रहे चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल चुनाव जीतने में पूरा जोर लगा रहे हैं। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बुलेटिन में सबसे पहले खबरें दंतेवाड़ा के सी चुनावी दंगल पर। दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस की कमान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के हाथ में है। मरकाम 3 दिन बाद दंतेवाड़ा से वापस लौटे और एक बार फिर से चुनावी प्रचार में सक्रिय हो गए, तो वो शहरों से लेकर गांव तक साप्ताहिक हाट बाजार में प्रचार करते भी नजर आए। जिला मुख्यालय के साप्ताहिक बाजार में देवती कर्मा के साथ पहुंचे मरकाम ने उनके लिए समर्थन मांगा, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानदारों से भी मरकाम ने कांग्रेस उम्मीदवार देवती कर्मा के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। लगभग 2 घंटे मरकाम और देवती कर्मा दुकानदारों से संपर्क करते रहे। दोनों ने कटियार रास क्षेत्र में भी इस दौरान जमकर प्रचार किया। भाजपा प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने दंतेवाड़ा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अनिल जैन ने कहा है कि कांग्रेस दंतेवाड़ा उपचुनाव नक्सलियों का भय दिखाकर जीतना चाहती है। अनिल जैन और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुधवार को रायपुर पहुंचे थे। मंतुराम पवार के खुलासे पर उन्होंने कहा है कि चुनाव का समय है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार तो एसआईटी की सरकार हो गई है। सरकार को दंतेवाड़ा की कांग्रेस प्रत्याशी देवती कर्मा की बेटी के बयान की भी जांच के लिए एक एसआईटी का गठन करना चाहिए। कांग्रेस के बैलेट से चुनाव कराने की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि वो जब जीतते हैं तो कुछ नहीं कहते, हारने पर ईवीएम पर शंका जताते हैं। तो वहीं दंतेवाड़ा उपचुनाव में मतदाताओं को बांटने के लिए साड़ियों से भरी वैन दंतेवाड़ा से नकुलनाथ सड़क पर पकड़ी गई। कुआकोंडा थाना क्षेत्र के रेंगानार गांव से यह साड़ियां मतदाताओं को बांटने के लिए ले जाते हुए 3 आरोपियों को भी पकड़ा है, जो इसे कांग्रेस पार्टी का काम बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कार्यालय से ये साड़ियां भरी गई हैं। जब्त गाड़ी क्रमांक CU18928279 कुआकोंडा थाने में खड़ी हुई है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। जिले में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। मतदाताओं को लुभाने और वोट लेने के लिए अलग अलग तरीके से राजनीतिक पार्टियां इन तमाम चीजों को अपना रही हैं, तमाम हथकंडे अपना रही हैं। ऑब्जर्वेशन दलों पर भी अब सवाल खड़े कर रही हैं। ये साड़ी ना कांग्रेस पार्टी का था, गांव में बांटने के लिए लेके जा रहे थे ना। वो सकता है सर, वही गांव में बांटने। अच्छा, कौन था तुम्हारे साथ? ड्राइवर कौन था? मंत्रू था। मंत्रू और एक आदमी और कौन था? चंदू था। नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से ना कराने और परिसीमन की मियाद बढ़ाने की जो बीजेपी की मांग है, उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पता नहीं बीजेपी बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर इतना भयभीत क्यों है। उन्होंने ये भी कहा है कि बैलेट से पहले भी सब जगह चुनाव होते रहे हैं। यहाँ भी नगरीय निकाय या पंचायत चुनाव यदि बैलेट से होगा तो बीजेपी का डर उनकी समझ से परे है। बैलेट से चुनाव कराने पर फैसला हुआ ही है, भाजपा पहले से ही दहशत में है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश में चल रहे मंदी के माहौल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ट्वीट पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाई है और इस वजह से मंदी का असर छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी ओला और उबर दोनों अपनी सेवाएं दे रहे हैं, फिर भी ऑटो सेक्टर में उछाल आया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक लोगों के क्रय शक्ति नहीं बढ़ाई जाएगी तो मंदी का प्रभाव पड़ेगा ही। नोटबंदी जीएसटी लागू करके सभी लोगों के पैसे बैंक में डालने के बाद 1,76,000 करोड़ रुपए आरबीआई से निकाल लिए गए, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में गांधी और आधुनिक भारत विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया। रविशंकर विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित यह कार्यक्रम रविशंकर विश्वविद्यालय और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया। राष्ट्रीय कार्यशाला 11 सितंबर से 13 सितंबर तक चलेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नए सिरे से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस एक शून्य सदस्य मानकर सदस्यता अभियान को शुरू करेगी। राज्य में 12 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सदस्यता अभियान को शुरू करने में एक महीने लग सकते हैं। गुरुवार को पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी सदस्यता अभियान के कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार करेंगी। बैठक में मिले दिशा निर्देशों के आधार पर छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के लगभग 6.25 लाख सदस्य हैं, लेकिन जब सदस्यता अभियान शुरू होगा तो पुराने सदस्यों को फिर से रसीद काटनी होगी, मतलब उनकी सदस्यता का नवीनीकरण किया जाएगा। लगभग 6 लाख नए सदस्य बनाए जाएंगे। सदस्यता अभियान कब से शुरू होगा, कब तक चलेगा, सदस्यों की सूची कब तक फाइनल की जाएगी, सदस्यता अभियान से कितनी राशि प्राप्त होगी, ये सब जानकारी कब तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजनी होगी, इसे लेकर गुरुवार को दिल्ली में सोनिया गांधी एक बैठक लेंगी। उन्होंने सभी राज्यों के अध्यक्षों और पार्टी के तमाम विधायक दल के नेता की बैठक बुलाई है। विधायक दल का नेता होने के नाते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार शाम को दिल्ली रवाना होंगे और दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री बघेल यहाँ प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक लेंगे। उन्हें सदस्यता अभियान की न केवल जानकारी देंगे बल्कि अभियान को सफल बनाने के लिए उत्साह भी भरने की कोशिश करेंगे। अंतर्गत रेपकांड मामले में कोर्ट में धारा 164 पर दिए गए बयान में कई खुलासे के बाद बीजेपी में हड़कंप की स्थिति है। पवार को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है और इसके बाद भी मंथुराम पर बीजेपी बेहद सख्त है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा है कि साल 2014 में अंतर्गढ़ उपचुनाव के दौरान नामांकन वापस लेने वाले मंथुराम पवार ने बार बार कुछ और बयान दिया, लेकिन अचानक उनके बयान बदलने के पीछे उन्हें कौन सा ज्ञान मिल गया है जिससे आज वो आरोप लगा रहे हैं। पार्टी से निष्कासन के बाद यदि मंथुराम पवार ऐसा बयान दे रहे हैं कि उनका पक्ष नहीं लिया गया तो ये बेहद दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि पक्ष लेने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। सारे तथ्य सबके सामने हैं। ये तमाम बातें हैं उनके खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं। और मंथुराम पवार चूंकि मैं तो अच्छे से जानता हूँ, वो पिछले वो कहना चाहिए अभी तक अंतर विधानसभा नारायणपुर में 6 चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार वो जीत हासिल हुई। कुल मिला के मंथुराम पवार के खिलाफ लगातार आरोप शिकायतें मिलने के बाद और उस बात को पार्टी में भी रह सकती, इस कारण से पार्टी ने निर्णय लेकर उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, उनको निष्कासित किया है। चलिए खबर बिलासपुर से देखें, जहां पर बीजेपी से निकालने के मंथुराम पवार ने बीजेपी से अपने निष्कासन को गलत बताया। मंथुराम पवार का कहना है कि बिना शोकॉज नोटिस के उनको निष्कासित किया गया है। ये रमन सिंह की दादागिरी है जिसके खिलाफ वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिखेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अंतगढ़ में खरीद फरोख रमन सिंह और राजेश मूरत ने की थी, ये उनका काम है। मंथुराम ने यह भी कहा है कि मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदारी रमन सिंह अजीत जोगी की होगी, 302 का मामला बनता है इन पर ही बनेगा और केस कायम करना चाहिए।
मिस शाह जी को भी ये घटनाक्रम के बारे में हम लेटर लिख के उनको अवगत करवाएंगे और नियम कानून को ताक में रखते हुए मंतुराम पवार को डायरेक्ट इन लोगों ने निकाला है बिना सोकार नोटिस के, तो हम विचार करके न्यायालय। विशेष संवाददाता आशीष तिवारी इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जुड़ गए हैं। आशीष जी, जिस तरह से मंतुराम पवार का स्टेटमेंट आया है और उस स्टेटमेंट के बाद से ही कांग्रेस पार्टी को तो बल मिला है, लेकिन बैकफुट पर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आ गई है। देखिए बिल्कुल, बैकफुट पर तो बीजेपी कहीं ना कहीं से है, क्योंकि यही वो मंतुराम है जिन्होंने साल 2014 में उपचुनाव के समय नॉमिनेशन के अंतिम दिन आखिरी वक्त पर नॉमिनेशन वापस लिया था और बाद में कुछ वक्त बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। मंतुराम पवार लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग बयान दर्ज कराते रहे हैं। चूंकि अब कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज हुआ है, तो इस बयान से मंतुराम पवार अपने कदम वापस पीछे नहीं खींच सकते। मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने बयान दर्ज हुआ है, लेकिन मंतुराम पवार के बयान के बाद न केवल पूर्व मंत्री डॉक्टर रमन सिंह, अजीत जोगी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत ये निशाने पर आए, बल्कि पूरी भाजपा भी कहीं ना कहीं इस पूरे बयान के बाद से बैकफुट पर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अपना को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जरूर मंतुराम को पार्टी ने निष्कासित किया है, लेकिन मंतुराम पवार ने पार्टी के ही तमाम संविधान का जिक्र करते हुए ये एलिगेशन लगाया है कि जो जिस तरीके से उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया, ये संवैधानिक प्रक्रिया का वायलेशन है और पार्टी को इस तरीके से बगैर नोटिस दिए निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए था। और मंतुराम पवार ने यह तक कह दिया है कि वो इसे लेकर कोर्ट भी जा सकते हैं। इधर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रम उसेंडी, उन्होंने मंतुराम के इस बयान का खंडन किया है और बदलते हालात के बीच पार्टी की ओर से जिस तरीके से कार्रवाई की गई उसे जायज करार दिया है। बिल्कुल, क्योंकि आशीष जी लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती आ रही थी कि भाई मतलब यहाँ पे खरीद फरोख्त हुई है। अब मंतुराम पवार ने 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किए हैं, अगर पलटते हैं अपने बयानों से तो 188 के तहत इन पे कार्रवाई की जाएगी। मतलब मंतुराम पवार के पास सिर्फ खोने के लिए है, पाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। देखिए मंतुराम के पवार खोने के लिए तब से शुरू हो चुका था जब 2014 में कांग्रेस टिकट के देकर उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने अंतिम वक्त पर नॉमिनेशन वापस ले लिया था। उसके बाद जिस तरीके से लेन देन के तमाम आरोप लगे मंतुराम को लेकर, जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के भीतर खलबली मची और अब ताजा मामला जिस तरीके से सामने आया है धारा 164 के तहत बयान देने का, जाहिर सी बात है कि मंतुराम अब अपने कदम वापस नहीं खींच सकते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि बीजेपी ये आरोप लगा रही कि सरकार के दबाव के चलते मंतुराम पवार ने ऐसा किया है, लेकिन आने वाले दिनों में ये एक बड़ा पॉलिटिकल एक इशू निश्चित तौर पर बन चुका है और आने वाले दिनों में ये बड़ा भी होता जाएगा। चर्चा तो ये भी है कि कई प्रभावशालियों के खिलाफ मंतुराम पवार के बयान के बाद FIR दर्ज करने की दिशा में भी सरकार अपने कदम आगे बढ़ा रही है। बहुत शुक्रिया आशीष जी चर्चा में शामिल होने के लिए, इतनी बेहद अहम जानकारी देने के लिए। महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया बेमेतवा में महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 30 मिलन समारोह के आयोजन में शामिल हुई और बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने शिरकत की। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक आशीष छाबड़ा, नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में को संबोधित करते हुए अनिला भेड़िया ने कहा है कि भूपेश सरकार जब से प्रदेश में आई है तब से 36 गयों का शासन है और प्रदेश में हर त्योहार बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाने लगा है। उन्होंने ये भी कहा है कि 30 मिलन महिलाओं के आपसी मेलजोल का समारोह है जहां पर दूर दराज से आई तमाम महिलाएं एक दूसरे को समझती हैं और पहचानती हैं, इससे मेलजोल बढ़ता है और ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। और ये प्रभाव हमारे प्रदेश के मुखिया सम्मानी मुख्यमंत्री जी ने शुरू कर दिया है कि सब बहनों का सम्मान होना है, उनके तीज त्योहार का मान होना है, इसलिए ऐसा हर जिला में हर बहनों में कार्य है कि हमारा शहरी क्षेत्र में मतलब विधानसभा विभिन्न तरह के जबका महिला बहनी बने ओमन उपस्थित भी हुई है और तीजा मिलन के रूप में सब इकट्ठा होके। JCPGA के अध्यक्ष अमित जोगी की तबीयत में सुधार नहीं हुआ है जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से रायपुर सेंट्रल जेल लाया गया है। अमित जोगी को अम्बेडकर या नीचू अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। अमित जोगी को रायपुर लाने के बाद मुंगेली से JCPGA विधायक धर्मजीत सिंह भी
उनसे मिलने के लिए सेंट्रल जेल पहुंचे। धर्मजीत सिंह ने कहा है कि अमित जोगी की तबीयत खराब है, पता नहीं फिर भी पुलिस इस केस में कुछ ज्यादा ही तत्परता दिखा रही है। अमित जोगी को लाने के बाद जेल परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। तो इधर बिलासपुर में अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी ने आरोप लगाया है कि अमित जोगी के बारे में प्रशासन कुछ नहीं बता रहा, जबकि उनकी तबीयत खराब है। उन्होंने कहा है कि मेदांता अस्पताल ने उन्हें अपोलो रेफर किया है, लेकिन प्रशासन मान नहीं रहा है। जोगी को कहां ले जाया जा रहा है ये उनके परिवार को भी नहीं पता है। ऋचा जोगी ने कहा है कि अगर अमित जोगी को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कोई सूचना नहीं मिली कि कहाँ लेके गए हैं, और अब उस एम्बुलेंस के पीछे पीछे हम भी निकलेंगे। और बहुत दुखद है, इनकी हालत ठीक नहीं है। इनको हायर सेंटर के लिए हमने रिफर करवाना चाहा था, जो कि नहीं, मतलब अब पता नहीं वो करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनकी हालत में, मतलब इनको कुछ भी हुआ, इनकी अगर तबीयत के साथ अगर खिलवाड़ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। भूपेश्वर सरकार ने प्रदेश में 82% आरक्षण लागू कर दिया है, और जिसके खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई। याचिका में सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना बताया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार किसी भी राज्य में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। अधिवक्ता आदित्य तिवारी की याचिका में बताया गया है कि आरक्षण से एसटी वर्ग का नुकसान है, क्योंकि उन्हें 16 की जगह 13% आरक्षण ही मिल रहा है। सरकार के इस फैसले से सामान्य वर्ग के लिए सरकारी नौकरी प्रतियोगिता परीक्षा के रास्ते बंद हो गए हैं। कुल मिला के जो साधारण सीट बची है, स्वर्णों के लिए सीट बची है, वो 18 से 14% बची है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जो कि जो ऑर्डिनेंस आया है, नया ऑर्डिनेंस जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जारी किया है, उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन को के थ्रू हमने चैलेंज किया है, इसके लिए हमने पिटीशन फाइल की। तो भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास के जमीन संबंधी समस्याओं में उद्योगपतियों को एक बड़ी राहत दे दी है। भूमि आवंटन की दरों में कमी और 2 एकड़ तक जमीन फ्रीहोल्ड आंशिक हस्तांतरण और लीज रेंट में कमी जैसी कई घोषणाएं की गई, जिसके चलते राज्य में औद्योगिक विकास के दरवाजे तेजी से खुलेंगे तो ये रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आखिर उद्योगपतियों और राज्य के विकास के लिए क्या खास है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राज्य को तेजी से प्रगति के पथ पर लाने के लिए औद्योगिक विकास भी जरूरी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दिशा में एक नई नीति के साथ काम शुरू कर दिया है। उन्होंने उद्योगपतियों की मांगों को पूरा करते हुए औद्योगिक विकास के साथ रोजगार के अवसर राज्य में बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन में 30% की कमी जाएगी। इससे सस्ती दरों पर उद्योगों के लिए उद्योगपतियों को जमीन मिल सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने पूंजी, ब्याज, अनुदान और करों में छूट देने की भी बात कही है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि लीज रेंट की दर 3% से घटाकर 2% की जाएगी। ब्याज अनुदान करों में छूट, 2 हेक्टेयर क्षेत्र तक के उद्योगों की भूमि फ्री होल्ड, सभी प्रकार की अनुमतियों के लिए एकल खिड़की प्रणाली, गोदामों का नियमितीकरण, आवंटित भूमि में सबलीज का प्रावधान, उद्योगों की स्थापना नहीं होने की दिशा में अन्य पात्र उद्यमियों को भूमि आवंटन, उद्योगों के पास उपलब्ध रिक्त भूमि, भूमि आवंटन पश्चात उद्योग की स्थापना न होने की दशा में उद्योग स्थापना हेतु अधिकतम 1 वर्ष के अंतिम अवसर दिया जाएगा, तत्पश्चात भूमि आवंटन दरों पर वापस लेकर अन्य पात्र उद्यमों को दी जाएगी। मतलब ये है कि अब प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए सभी प्रकार की अनुमतियां समय सीमा में मिल सके, इसके लिए सिंगल विंडो प्रणाली को प्रभावी बनाया जाएगा। सभी जिला उद्योगों केंद्रों में नए आवेदन लिए जाएंगे और भूमि आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा। भूपेश सरकार की ओर से मिली तमाम सौगातों से उद्योगपति बेहद खुश हैं। अभी तक जो आज तक कभी भी छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, यानी सीएम साहब ने ये भी कहा है कि 2 हेक्टेयर तक के जो प्लॉट हैं और जो 10 सालों से कंटिन्यू रन कर रहे हैं उसे वे फ्री होल्ड कर देंगे।
तो ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और मुझे ऐसा लगता है कि सीएम साहब की सकारात्मक सोच उद्योगों के प्रति होने से यहाँ उद्योगों का बहुत बहुत बढ़ावा होगा। यहाँ के लोकल उद्योगपति बहुत खुश हैं सीएम साहब की इन सब नीतियों से। सरकार की बहुत अच्छी सोच है कि उद्योग बढ़ेगा तो सरकार को राजस्व मिलेगा, ये मतलब बहुत ही अच्छी सोच है। मैं इसका स्वागत करता हूँ और सरकार को शुभकामनाएं देता हूँ कि सरकार के निर्णय सब जो है धरातल पे आए ताकि उद्योगों को बहुत फायदा मिले और छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे और छत्तीसगढ़ बहुत खुले फले। सरकार की नीति और नियत से झलकने लगा है कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास का एक नया आगाज हो चुका है। गर्भो नवा छत्तीसगढ़ में नई नीतियों के साथ राज्य को तरक्की की राह में आगे ले जाने भूपेश सरकार कामयाब होंगे यह उम्मीद कर सकते हैं। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। गरियाबंद में एक बार फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच सीमा विवाद गहरा गया है। उड़ीसा के अधिकारियों ने दबंगाई दिखाते हुए बुर्जा बहाल के किसानों से कब्जा हटवाते हुए खड़ी फसल कटवाकर जमीन खाली करा ली। नक्सल विचारधाराओं को छोड़ नेशनल पार्क एरिया और अबूझमाड़ नारायणपुर इलाके में सक्रिय माओवादियों ने बीजापुर एसपी दिव्यांग पटेल के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। चलिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में मेरे साथ इतना ही, लेकिन स्वराज एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।